हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जॉनी वॉकर डबल ब्लैक। सो जॉनी वॉकर सीरीज की फोर्थ विस्की है जिसका हम रिव्यू करेंगे आज। इससे पहले जॉनी वॉकर रेड, ब्लैक और गोल्ड के रिव्यू मैं कर चुका हूं पहले। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने जॉनी वॉकर ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में भी बताया है। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम सिर्फ डबल ब्लैक की बातें करेंगे, बिकॉज डबल ब्लैक की जो हिस्ट्री है वो कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक यंग विस्की है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। तो अगर आप जॉनी वॉकर ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन वॉच वीडियोज ऑफ रेड, ब्लैक एंड गोल्ड। डबल ब्लैक जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट है मास्टर ब्लेंडर का, जो ब्लैक लेबल विस्की बनाते हैं, क्योंकि ब्लैक लेबल को बेस में रख के डबल ब्लैक बनाई गई है। मास्टर ब्लेंडर की जो जॉब होती है काफी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज दे हैव टू नो कि 40 अलग अलग विस्कीज को मिक्स करके कैसे ब्लैक लेबल बनाई जाए, और ये नॉलेज को उन्हें रोज रोज सालों साल यूज करना पड़ता है, और उससे वो जॉब थोड़ी मोनोटनस भी हो जाती है। सो इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, कुछ नया ट्राई करें, और वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट था जॉनी वॉकर डबल ब्लैक, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल को एक्स्ट्रा स्मोकी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसमें ज्यादा स्मोक ऐड किया गया है। आइला की विस्की यूज करी गई है। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी आइला की विस्की यूज करी गई है इसमें, बट डियाजियो जो जॉनी वॉकर को ओन करता है वो आइला रीजन में दो डिस्टिलरीज को ओन करते हैं, लागावुलिन एंड कोल आइला। तो आई एम श्योर उन दो डिस्टिलरीज में से एक की विस्की यूज करी गई होगी इसमें। इनिशियली इसे लॉन्च किया गया था एज अ ड्यूटी फ्री एक्सक्लूसिव। जब आप ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करते थे इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त, तभी आप इस विस्की को खरीद सकते थे। बट बिकॉज इट वॉज सच अ सक्सेसफुल वेंचर, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये विस्की कि उन्होंने उसे वाइडली लॉन्च कर दिया रिटेल में, एंड टुडे इट इज अवेलेबल प्रीटी मच एवरीवेयर। अगर मैं स्मोकी विस्कीज की बात करूँ तो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल को मैं एक बिगिनर स्मोकी विस्की कहूँगा, बिकॉज वो एक स्मोकी विस्की है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको हिला के रख देगी। बट वो हिलाने के लिए आपको और किसी को नहीं, जॉनी वॉकर डबल ब्लैक को लॉन्च किया गया, और ब्लैक कलर जो होता है वो स्मोक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इस विस्की का नाम रखा गया डबल ब्लैक। एक दूसरा जो डिफरेंस है इस विस्की में एज कंपेयर टू ब्लैक लेबल की, इस विस्की में से एज स्टेटमेंट जो है वो हटा दी गई है। देर इज नो एज स्टेटमेंट इन दिस। जैसे कि ब्लैक लेबल एक 12 ईयर्स ओल्ड विस्की है, देर इज नो एज स्टेटमेंट इन दिस विस्की। प्राइस है इसका ₹3500 इन दिल्ली। यस, 3500 है दिल्ली में, पूरी बॉटल का, क्वार्टर का नहीं है। अब मैं क्या करूं भाई, दिल्ली में बॉटल अगर विस्की सस्ती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो सब महंगा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बट अदरवाइज यस, दिल्ली इज चीपर। और अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं क्या करूँ, दिल्ली के प्राइस बताऊंगा ना। बट यू कैन चेक योर प्राइस, द प्राइसेस इन योर स्टेट इन द वाइन शॉप, या अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो चेक कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी कि मैं हेल्प नहीं कर पाता दूसरे लोगों को जो मुझसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में कितने की होगी, बैंगलोर में कितने की होगी। मुझे नहीं पता यार, आई स्टे इन दिल्ली सो आई नो दिल्ली प्राइसेस। दिल्ली में कम है प्राइसेस, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए करते हैं इसकी नोजिंग, बताता हूँ मैं आपको कि कैसी है ये विस्की। छोटा सा कोट किया मैंने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नोज पर, एंड आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ ग्रेनीनेस, जो कि एक ब्लेंडेड विस्की में आती है जिसमें ग्रेन यूज़ किया जाता है काफ़ी अमाउंट में। आई एम नॉट श्योर कि कितने परसेंट ग्रेन इसमें यूज़ किया गया है, बट येस, दिस इज द ब्लेंडेड विस्की। स्मोक ऑब्वियसली काफ़ी ऑब्वियस नोट्स है इसमें स्मोक का, और वो भी जो आइला रीजन वाला स्मोक है, पीटी स्मोक। स्लाइटली मेडिसिनल फेनल नोट्स आ रहे हैं मुझे। मे बी ए बिट ऑफ स्पाइस। इट्स नोजिंग के मामले में काफ़ी अलग है ये, अगर मैं बात करूँ ब्लैक लेबल से। ब्लैक लेबल इज क्वाइट डेलिकेट, बट इसके जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स ट्राई एंड टेस्ट दिस। काफ़ी अच्छा खासा स्मोक है, एंड देर इज quite a bit of spiciness as well, और जो smoke है, I'm getting good amount of peatiness, good amount of fennel,
जो ब्राइनीनेस होती है एक आई लव इसकी की, लेदर चंक्स जैसे टेस्ट होते हैं, बारबेक्यू मीट जो अच्छे से जला हो जो टेस्ट होता है वैसा आ रहा है मुझे, एंड जो स्मोक है इट हैज क्वाइट अ बिट ऑफ लेयर्स बिकॉज जब स्टार्ट हो रहा है ये विस्की जब मैं पीता हूँ तो स्मोक पूरे पूरे मुंह में फैल जाता है, बट जो फिनिश है इस विस्की का दैट्स क्वाइट स्वीट, जो ब्लैक लेबल की में जो स्वीटनेस है हल्की हल्की वो टेक ओवर कर लेती है जब विस्की का जो विस्की फिनिश होती है, सो इट provides a very balanced experience. I really do like Double Black. I think Johnny Walker ka one of the best expression hai and definitely worth trying. Agar aap smoky whiskies try karna chahte hain, smoke advanced smoky whiskies ki tarah badhna chahte hain, then I definitely think that Double Black is a good step. Ek jo problem hai meri is whiskey ke sath wo hai iske price ki. Iska jo price hai wo aisa hai ki आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसकी आप लोगों को सजेस्ट करनी चाहिए या नहीं, बट वी विल डिस्कस इट मोर जब मैं अभी वैल्यू फॉर मनी की बात करूंगा. बट आई डू अग्री दैट इट इज़ अ गुड अपग्रेड फ्रॉम ब्लैक लेबल. अगर आपको ब्लैक लेबल काफ़ी ज़्यादा लाइट लगती है या फिर अगर आप सालों से ब्लैक लेबल पीते आ रहे हैं देन गिव दिस विस्की अ ट्राई. आई एम श्योर आपकी जो स्मोकी विस्की जो गेम है उसको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी डबल ब्लैक. तो बात करते हैं स्कोरिंग की, एंड एज ए सेड आई डू थिंक दैट इट्स अ गुड विस्की. जॉनी वॉकर की सबसे अच्छी विस्कीज में से एक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया में जो ऑप्शंस अवेलेबल है विस्कीज के, आई थिंक उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्मोकी विस्कीज है ये. आई एम नॉट सेइंग कि बेस्ट है, बट इट इज देयर कंसिडरिंग कि इंडिया में जो ऑप्शंस हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, अवेलेबल हैं जो लोगों के पास. स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉन मेट्रो सिटीज़ की, वहाँ पर ऑप्शंस जो और भी कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा सिंगल मॉल्ट विस्कीज नहीं मिलेंगी जो आपको वो स्मोकी एक्सपीरियंस दे पाएं. एंड जॉनी वॉकर एक ऐसी ब्रांड है जो आई थिंक हर जगह पर अवेलेबल है, सो इफ यू वॉन्ट एक्सपीरियंस सम एडवांस स्मोकी स्टफ देन मे बी दिस इज़ अ गुड विस्की टू ट्राई. एंड इवन अदरवाइज आई थिंक इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय दिस विस्की. सो आई एम गिविंग इट 9 out of 10 एज फार एज वैल्यू टेस्ट इज कंसर्न. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, एज अ सेट दैट्स प्रॉब्ली द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस विस्की. 3500 फॉर द बॉटल कोई ज़्यादा नहीं लगता सुनने में अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, बट आई हैव टू कंसिडर कि अगर मैं 700 रुपये और डालूँ, 700-800 रुपये, तो 4300 के आसपास की मुझे टैलिस्कर मिल जाएगी. सो इफ आई एम स्पेंडिंग मनी तो मैं टैलिस्कर क्यों नहीं लूंगा, मैं ये क्यों लूंगा. सो कंसिडरिंग दैट आई डोंट थिंक कि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये विस्की इतनी ज़्यादा अच्छी है, बट बुरी भी नहीं है. आई डोंट थिंक कि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कोई बहुत बुरी डील है, बट यू जस्ट हैव टू कंसिडर कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं डालने हैं और आप इसे काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा अपग्रेड बाय कर सकते हैं. सो कंसिडरिंग दैट आई थिंक आई विल गिव दिस विस्की 8.6 out of 10. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 8.8 out of 10. सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जॉनी वॉकर डबल ब्लैक के ऊपर. कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में. अगर आपने ट्राई करी है तो आपको कैसी लगी विस्की मुझे बताइए, और किन विस्कीज़ के रिव्यू आप देखना चाहते हैं ये भी बताइए. अभी रिक्वेस्ट पूरी करने में टाइम लगेगा, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें. हाँ, सारी विस्कीज़ अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में, बट आई विल ट्राई टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट, आई प्रॉमिस यू. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अब विस्की ख़त्म हो गई है. चीयर्स.